हमारे एजुकेशनल चैनल बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे IQ इंटेलिजेंस कोशेंट यानी बुद्धि लब्धि के बारे में कि वो क्या होता है और उसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अल्फ्रेड बिनेट एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1905 में अपने सहायक थियोडोर साइमन के साथ मिलकर पहला इंटेलिजेंस टेस्ट प्रकाशित करवाया। इस टेस्ट का मुख्य लक्ष्य था स्टूडेंट्स को उनका करिकुलम पूरा करने में मदद करना। साइमन और बिनेट ने अपने परीक्षण के दौरान यह देखा कि मनुष्य की मानसिक आयु और शारीरिक आयु का बहुत ही गहरा संबंध होता है। बुद्धि परीक्षण के लिए उन्होंने अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों के लिए अलग अलग लेवल की प्रश्नावलियाँ तैयार की। परीक्षण के समय जो तथ्य उभर कर सामने आए वो कुछ इस प्रकार थे। कुछ बच्चे अपने शारीरिक आयु के लिए निर्धारित प्रश्नावली का सही सही उत्तर दे सकने में सफल हुए। कुछ अपनी शारीरिक आयु से उच्च आयु वर्ग की प्रश्नावली का सही सही उत्तर दे सके और कुछ बच्चे शारीरिक आयु से कम आयु वर्ग की प्रश्नावली का उत्तर दे सकने में आंशिक रूप से सफल हुए। बिनेट की इस व्याख्या में मानसिक आयु का महत्व प्रतिपादित हुआ जिसका अर्थ बच्चे की उस मानसिक क्षमता से है जो उस आयु के बच्चों के लिए निर्मित समस्यात्मक प्रश्नों को सही सही हल कर लें। यानी मानसिक आयु किसी व्यक्ति के द्वारा विकास की सीमा की वह अभिव्यक्ति है जो उसके मानसिक कार्यों के द्वारा जानी जाती है तथा किसी आयु विशेष में उसकी अपेक्षा होती है। साधारणतः मानसिक आयु बुद्धि की परिपक्वता को व्यक्त करती है। यानी यदि 8 वर्ष का बच्चा 10 वर्ष की आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष होगी। शारीरिक आयु और मानसिक आयु के अनुपात को बिनेट ने इंटेलिजेंस कोशेंट यानी IQ कहा। IQ मानसिक आयु तथा शारीरिक आयु का एक ऐसा अनुपात होता है जिसे 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। टर्मन ने 1916 में IQ के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक टेबल बनाया जो इस प्रकार है। तो इस फॉर्मूले से और इस टेबल की सहायता से हम अपना IQ बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।